करना पड़ता है, मुझे विश्वास है स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ताओं से और उपाधि प्राप्त कर्ताओं से कि जीवन के जिस क्षेत्र में भी जाएंगे वह एक प्रकार चाहूंगा जिन्हें मेहनत के बावजूद वांछित उत्कृष्टता नहीं मिली, क्योंकि स्वर्ण पदक तो निश्चित है लेकिन उनमें भी किसी प्रकार का नाराज स्वभाव नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि जीवन के किसी दूसरे क्षेत्र में उनके लिए अवसर हो और उससे भी बड़ी लाइन खींच सकते हैं, क्योंकि यहाँ बैठे हुए छात्र छात्राओं से मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी बच्चा बिना गुण के नहीं होता है, बिना क्षमता और दक्षता के नहीं होता है। मेरा वेद के उस घोष वाक्य में अटूट विश्वास है कि अवंतरम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम औषधम अजोग्यो पुरुषो नास्ति योग्यो सर्वत्र दुर्लभः। बिना अक्षर के कोई मंत्र नहीं बनता, बिना अक्षर के कोई मंत्र नहीं बनता, बिना औषधि गुण के कोई वनस्पति नहीं होती। कुल सचिव डॉक्टर हबीरबुर रहमान जी, कुल सचिव परीक्षा डॉक्टर नीलम कुमारी जी, यहाँ उपस्थित मेरे प्रधान सचिव रॉबर्ट चौंथू जी, अन्य सभी उपस्थित पदाधिकारीगण, शिक्षकगण, शिक्षकेतर कर्मचारीगण, जिन सभी विद्यार्थियों ने, मेरे मित्रों ने, जो युवा है जिन्होंने उपाधि प्राप्त की, स्नातक की हो या स्नातक के उपरांत की हो, ऐसे सभी मेरे युवा मित्र, यहाँ उपस्थित सभी मीडिया के भाई बहन और अभी सभी उपस्थित देवियों और सज्जनों, मैं जानता हूँ कि आप अभी बहुत ही उत्सुक हैं, उम्मीद रखकर हैं कि बाहर जाकर आपकी उपाधि सबको दिखानी है आपको, और इसीलिए आप यहां से बाहर जाना चाहते हैं जल्दी। लेकिन कार्यक्रम जो बना हुआ है उसमें कुलाधिपति का भी एक भाषण है, आपको पसंद आए ना आए लेकिन आप सबकी मजबूरी है, उसको यहां बैठे सुनना है। और जब भी आपको लगेगा कि अभी बस करो भाई, तो जोर से तालियां बजाना। तो मैं समझ जाऊंगा आपके मन में क्या है। आज हम यहां ऐसे एक अवसर पर उपस्थित हैं कि एक सभी आपको बताएंगे एक नई शुरुआत करने के लिए आप यहां आए हैं। मैंने जैसे शुरू में ही कहा कि आपके हाथ में एक उपाधि का कागज है, कुछ लोगों के गले में मेडल है, और ये निश्चित रूप से आप सबकी अचीवमेंट है, आपकी उपलब्धि है। इतने पिछले कुछ वर्षों से आपने जो मेहनत की है, परिश्रम किए हैं, उन सभी मेहनत और परिश्रम की अगर कुछ अगर दिखाने लायक कुछ चीज है, वो सर्टिफिकेट है डिग्री का, और वो आपके गले में है, वो मेडल है। और बाहर का जगत जो है, दुनिया जो है, कुछ दिनों के लिए आपकी सराहना भी करता रहेगा, वो कहेंगे बहुत अच्छी बात है, आपने क्या किया, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, आगे जाकर आप क्या करेंगे। जो यहां मेडल लेने के लिए आ रहे थे, तो उनसे मैं कुछ लोगों को पूछ रहा था कि आप अभी क्या करते हैं, आगे जाकर क्या करने वाले हैं। एक तो एक अपने मेरे मित्र ने कहा कि मैं यूपीएससी की एग्जाम की तैयारियां कर रहा हूं, दो तीन लोगों ने कहा बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, और कुछ ने कहा नीट की एग्जाम की तैयारियां कर रहा हूं, किसी ने कहा मैं आई एम ऑलरेडी एम्प्लॉयड एज अ टीचर, कहा केंद्रीय विद्यालय में है,
या और कोई है, बहुत अच्छी बात है कि आप कहीं ना कहीं एंगेज हैं, कहीं ना कहीं आप उसमें खुद को आप एक जुट कर लिया है, जोड़ के लिया है। मुझे लगता है यही आवश्यक होता है। आजकल जैसा कि मैं यहां जिनका बीज भाषण का कीनोट एड्रेस था, उनका मैं कामेश्वर जी का भाषण सुन रहा था, पता नहीं आप सुन रहे थे या नहीं, परंतु उन्होंने जो बात बताई हम सबको वो ध्यान तो गोल्ड मेडलिस्ट लिखा है उसके बगल में खड़े हो, वो देखो वो टोपी उछालते भी ले रहे हैं, चलो बाहर लेते हैं, मौसम अच्छा है, बाहर ज़्यादा अच्छा है, चलो है।